जम्मू कश्मीर में योजनारी 9मी आइसस्टॉक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सूरत ना 10 अने गुजरात ना 20 खिलाड़ी आइसस्टॉक स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात ना नेजा हेठळ रमशे। गुजरात ना टीम ना कोच विकास वर्मा रमत में जर्मनी खाते भारत नु प्रतिनिधित्व करी चुक्या छे अने तेमने नेशनल चैम्पियनशिप में गुजरात ने ब्रॉन्ज मेडल पण अपाव्यो छे। विंटर में रमाती आइस स्टॉक गेमनी नेशनल चैम्पियनशिप में सूरत 10 खिलाड़ी और गुजरात 20 खिलाड़ी रमशे। आइस स्टॉक विंटर नेशनल चैम्पियनशिप 2-4 फेब्रुआरी रोज जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग खाते योजा है जेमा समग्र गुजरात में 20 खिलाड़ी भाग ले रहा है। गुजरात में 20 खिलाड़ी में सूरत 10 खिलाड़ी समावेश थाय छे। आइस स्टॉक स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात नेजा हेठ जुनियर और सीनियर एम बे लेवल रमनारी स्पर्धा में सूरत 10 विद्यार्थी नेशनल चैम्पियनशिप में भाग ले से त्यारे आइस स्टॉक एक बर्फ पर रमाती आंतरराष्ट्रीय गेम है। गुजरात की टीम में कोच विकास वर्मा आ रमत में जर्मनी खाते भारत नु प्रतिनिधित्व कर चुक्या है। विकास वर्मा मार्गदर्शन हेठ ज आ 20 खिलाड़ियों की टीम हवे सूरत थी काश्मीर जवा रवाना थशे। जम्मू काश्मीर गुलमर्ग खाते योजनारी आइस स्टॉक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में गुजरात महाराष्ट्र पंजाब मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्य में 300 बाळकों आ टूर्नामेंट में भाग ले त्यारे महत्वनी बात ए छे के सूरत में योजायेली आइस स्टॉक स्टेट टूर्नामेंट में डांग व्यारा वडोदरा अमदावाद भरूच अने कच्छ सहित अन्य शहरों में 60 वधु खिलाड़ियों ने भाग लीधो हतो अने तेमांथी सूरत 10 अने गुजरात में कुल 20 बाळकों नेशनल टूर्नामेंट साथ सिलेक्ट थया हता। જી તમારું નામ અહીંયાથી હજી કઈ ગેમને લઈને બાળકો નેશનલમાં સિલેક્ટ થયા છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, સુરતના કેટલા છે અને ગુજરાતના કેટલા છે? મારું નામ વિકાસ વર્મા છે, મેં આઈસ સ્ટોક સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાતનો હેડ કોચ છું। આઈસ સ્ટોક એક વિન્ટર ઓલિમ્પિક ગેમ છે જેની નેશનલ હમણાં 2-4 ફેબ્રુઆરી ગુલમર્ગ ખાતે ઉજવાઈ રહેલી છે। એમાંથી ગુજરાતના 20 છોકરાઓ સિલેક્ટ થયા છે, જેમાં સુરતના 10 છોકરાઓ સિલેક્ટ થયા છે। તેમજ ત્યાં 10-14 ફેબ્રુઆરી વિન્ટર ખેલો ઇન્ડિયા બી ઉજવાઈ રહી છે, જેમાં આખા ગુજરાતના 8 છોકરાઓ સિલેક્ટ થયા છે। અરવિંદ રાઠોડ, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।